मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 मार्च को अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के युग में सच झूठी खबरों का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां लोगों के पास धैर्य की कमी है, उनकी सहनशीलता कम हो गई है। सोशल मीडिया के जमाने में अगर उन्हें आपकी बात पसंद नहीं आती है तो वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि संवैधानिक वैश्विक प्रथाओं को आत्मसात करने वाला एक परिवर्तनकारी दस्तावेज था, लेकिन अब हमारी दिन प्रतिदिन की जीवन शैली महासागरों में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि कानून की वजह से ही आज लोगों में भरोसा है। सीजीआई ने वैश्विक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण ने अपने स्वयं के असंतोष का नेतृत्व किया है। दुनिया भर में मंदी के कई कारण अनुभव किए जा रहे हैं। वैश्वीकरण विरोधी भावना में वृद्धि हुई है। कहीं न कहीं इसकी शुरुआत 2001 के आतंकवादी हमलों से हुई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोविड-19 अभी तक एक और वैश्विक मंदी थी, लेकिन यह अंधेरे में एक अवसर के रूप में उभरी। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्याय का विकेंद्रीकरण हुआ है और इसने न्याय तक लोगों की पहुंच को बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तिलक मार का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि छोटे से छोटे गांव का सुप्रीम कोर्ट है। यानी चीफ जस्टिस ने अपने संबोधन में ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना समर्थन दे दिया है। मुख्यमंत्री कोनराड के सांगमा ने शुक्रवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। कोनराड के संगमा ने कहा, भाजपा ने हमें अपना औपचारिक समर्थन दिया है। हम राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हमें बुलाएं और सरकार बनाने के लिए नेशनल पीपल पार्टी को आमंत्रित करें। भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया। हमारे पास सरकार बनाने के लिए संख्या है। कोनराड के संगमा ने कहा कि हमें सूचित किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। वहीं मतगणना के बाद हुई हिंसा के बारे में सवाल पूछे जाने पर मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जगह जगह हिंसा हुई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। मैं लोगों और सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि चुनाव खत्म हो गए हैं और हिंसा आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि NPP को 59 में से 26 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस TMC को 5-5 सीटें हासिल हुई है। भाजपा महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी UDP ने 11 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। UDP ने 2018 में केवल 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अडानी ग्रुप फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में अडानी के शेयरों में बड़ा उछाल देखा गया, तो वहीं कांग्रेस ने फिर से अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने सवालों की सीरीज हम अडानी के हैं कौन में देख रहा है विनोद के तहत पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि अडानी ग्रुप के चीन के साथ पुराने रिश्ते हैं। एक चीनी नागरिक चांग चुंग लिंग विनोद अडानी के साथ अडानी समूह की कई कंपनियों में निदेशक रहा है और पनामा पेपर्स में भी उसका नाम आया था। दिसंबर 2017 में दक्षिण कोरिया ने पनामा में पंजीकृत तेल टैंकर कोटी को जब्त कर लिया था, क्योंकि इस टैंकर से उत्तर कोरिया टैंकर में पेट्रोलियम उत्पादों को शिफ्ट किया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन था। इसको लेकर जयराम रमेश ने सवाल किया, अडानी परिवार के साथ चांग चुंग लिंग के संबंधों की वास्तविकता क्या है? चीन और उत्तर कोरिया की सरकारों का उस समूह पर कितना प्रभाव है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय परिसंपत्तियों को नियंत्रित करता है और भारत के प्रधानमंत्री के साथ जिसके घनिष्ठ संबंध है? क्या आप चीन और उत्तर कोरिया के प्रभाव के प्रति संवेदनशील एक व्यापारी समूह पर अपने दुस्साहसपूर्ण निर्भरता के कारण अति महत्वपूर्ण भारतीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि विनोद अडानी चीन के नागरिकों के साथ मिलकर शेल कंपनियां चला रहे हैं। रमेश ने आगे कहा कि सरकार को विनोद अडानी की मदद करने की बजाय आरोपों की जांच करानी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि अडानी समूह की अवैध गतिविधियों में शामिल चीनी नागरिकों के साथ इतने गहरे संदेहास्पद संबंध क्यों हैं? विनोद और गौतम अडानी के साथ उनका रिश्ता क्या है? कांग्रेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप और पीएम मोदी पर हमलावर है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके से लेन देन और शेयर की कीमतों में हेर फेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे।